डिस्कस करें, रिफ्लेक्शन में मिरर्स हैं, स्फेरिकल मिरर्स हैं, कंकेव मिरर हमने प्लॉट किया, एंड वी वांट टू प्रूव दैट फोकल लेंथ इज बेटा 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, या आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा इट इज ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर बेटा। आइए कंसेंट्रेट करें, इसको देखें, प्रूव करके देखें। आप अगर ये इमेजिन कर लो कि आपका रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बेटे आ रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि ये फोकस में से पास कर जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो ये फोकस में से पास कर गया बेटा, राइट बेटे। और बेटे एक ना येलो कलर का या पिंक कलर का चौक जरूर रखा करो, अभी रहने दो, अभी ठीक है। ये आपने सी से इसको पॉइंट को मैं एल पॉइंट कह देता हूं, एल इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैंने सी को और एल को बेटे ज्वाइन किया ऐसे, राइट बेटा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपका ये एंगल कौन सा एंगल कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मैं आई कह सकता हूं। और डियर चिल्ड्रन ये एंगल कितना होगा, सेम ही होगा, ये दो लाइंस हैं, इनको एक लाइन कट कर रही है, कौन से एंगल्स होते हैं ये, अल्टरनेटिंग एंगल्स, बहुत बढ़िया, ये भी आई हो गया। और ये एंगल आपका एंगल आर कहलाता है, जरा चेक करिएगा ये पूरा एंगल कितना हो गया, फिर आई प्लस आर हो गया, आई आर के बराबर होता है। इसका मतलब है कि ये पूरा एंगल, ये जो आप देख रहे हो ये सारे का सारा, आप इसको 2i भी कह सकते हो, आप इसको 2r भी कह सकते हो, जैसी जरूरत पड़े आप कह सकते हो। i प्लस r के बराबर हुआ ना, r आपका i के बराबर है, तो यू कैन से दैट इट इज इक्वल टू 2i और इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ योर r बेटा, राइट। और सो इज द केस ओवर हियर आल्सो, ये भी आपका 2i या 2r ही होगा, फिर अल्टरनेटिंग अपोजिट एंगल्स हो गए ना बच्चों, इसको भी कह देंगे आप लेट इट बी 2i अगेन, ठीक। अब जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक कंपास रहता है, उसमें आप एक पेंसिल एडजस्ट कर लीजिए, कंपास को खोलिए, ओपन करिए, ओपन करने के बाद कंपास का नीडल सी पे रखा आपने, बेटे जरा ध्यान दीजिएगा, कंपास का नीडल सी पे रखा, ऐसे आर्क लगा दिया, ऐसे देख रहे हो, तो ये एंगल आप लोग जानते हैं इट इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस हुआ करता है। एक बार फिर से देखिएगा, ये मेरे पास इमेजिनरी कंपास है, नहीं इमेजिनरी कंपास, ऐसे रखा, आर्क लगा दिया, रेडियस कितना हुआ आप इस कंपास का, इतना हुआ, इट इज इक्वल टू एंगल आपका आई है, आर्क लेंथ एल और पी के बराबर है पुत्र जी, रेडियस आर के बराबर ही है, शुड आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं। आइए आगे चले मैम, अगेन ये एक इमेजिनरी कंपास, इसको थोड़ा मैंने कम ओपन किया और अपनी नीडल को यहां से यहां रख दिया फोकस के, और ऐसे आर्क लगा दिया, लगा सकते हैं ना, इसमें आर्क का लेंथ कितना एल पी के बराबर है, हाँ ये लेंथ ऑफ आर्क एल पी है, इस आर्क के लिए बेटे वो लास्ट गुड़िया, इस आर्क को ड्रॉ करने के लिए रेडियस कितना होगा, कितना हुआ बच्चे, बेटा एक मिनट ध्यान से, एफ कह दूं मैं, सो आपका अगेन 2i जो है आर्क का लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, 2i इज एल पी लेंथ, रेडियस आपका ये फोकल लेंथ के बराबर था आपकी बार। इक्वेशन नंबर 2 को मैं 1 से पुत्र डिवाइड कर रहा हूं,
टू को वन से डिवाइड किया, आपके पास आ गया जी टू आई अपॉन आई, इट इज इक्वल टू एल इंटू पी अपॉन एफ। इसको डिनोमिनेटर में जब लिखूंगा मैं आर अपॉन एल पी आ जाएगा। ये कट गया बच्चों, जरा चेक करिएगा, ऐसा है, ऐसा ही तो है, समझ आ गई बात की नहीं? इधर आ जाइए साइड पे, आपका आई से आई भी कट गया, आई से आई कैंसल आउट हो रहा है। टू इज इक्वल टू आर अपॉन एफ है, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू है, या आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ है। यही चीज प्रूव करनी थी, कहीं कोई मुश्किल बात है? आसान सीधी सीधी बातें, राइट। ये चीज मैं आपको जरूर करवाना चाहता था, अब आप जो कहेंगे रिफ्लेक्शन का मैं वो रिपीट करवा देता हूं, मुझे बताइए। नो रिफ्लेक्शन कह रहा हूं मैं, आपका पहले टेस्ट में रिफ्लेक्शन वाला पार्ट आएगा, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग अपॉन दैट। कंकेव मिरर, ओके, ऑल राइट। इमेजेस, लेट अस बेटा फोकस अपॉन, बेटे पेपर में डेरिवेशन आपको आ नहीं सकती बिकॉज आपके पेपर का पैटर्न अलग हो गया हुआ है, बट इसका मतलब, लिसन, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपना जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, उसको पढ़ना नहीं है डिटेल में। तो आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये डेरिवेशन ना से इसका पार्ट, इसका कोई फ्रेगमेंट तो पूछा जा सकता है। वो कह देंगे कि आपने जब ये डेरिवेशन की थी तो कौन सा स्टेप पहले था, कौन सा बाद में, कौन सा तीसरे नंबर पे, कौन सा चौथे नंबर पे, ऑर्डर और द सीक्वेंस में भी आस्क। तो मल्टीपल चॉइस ऐसे मर्जी बना लो। आइए बेटे, कोई पता नहीं होता क्या आ जाना है पेपर में, पेपर पेपर ही होता है। सो इसमें कंकेव मिरर, आप लोग कह रहे थे कि इसके जी जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हैं उसके लिए इमेजेस ड्रॉ करने हैं। आइए बेटे एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं, आप देख लीजिए, अगर आपने साथ साथ करने हैं तो इट इज अप टू यू। पहला केस है जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ये आपका बेटा कंकेव मिरर आ गया जी, और ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गए हैं जी, ये पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंफिनिटी पे जब आपका ऑब्जेक्ट होता है तो आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हो, ये आपका फोकस में से पास करके आ जाएगा जी। सेकेंड रे आपने ये इमेजिन किया और ये रे आपका फोकस में से अगेन पास करेगा। बच्चों, बेटा, डियर चिल्ड्रन, फोकस पर आपकी रेस एक्चुअल में मीट कर रही है, दे डोंट अपीयर टू मीट बट दे एक्चुअली मीट, दैट इज व्हाई द इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल, इट विल बी इनवर्टेड, इट विल बी पॉइंट साइज्ड एंड इट विल बी एट अ इरेक्ट फोकस। इरेक्ट नहीं बेटा, इरेक्ट नहीं होगा, रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, याद रखिएगा बेटा। सेकेंड केस है जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, चलें जी आगे। सेकेंड बेटा सिचुएशन, आपने अपना कंकेव मिरर वंस अगेन ड्रॉ किया, ये आपका बच्चों पेंटेड सरफेस डियर चिल्ड्रन, एंड ये आपके बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, एंड हेयर लाइज द पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा आपने बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा करते हैं हम, ए बी, वैसे कोई भी रख सकते हो आप, हमने वैसे ए बी कहा हुआ है। हाँ जी, अच्छी बात है बेटे, अच्छी बात है। और ये आपका फोकस में से पास कर गया, सेकेंड रे ऑप्टिकल ये सी में से पास करता हुआ ले ले, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन,
यहां पे रेज असल में मिल रही हैं, इट इज ए डैश एंड बी डैश। नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, आप कैसा इमेज बन रहा है, ये डाउनवर्ड का क्या मतलब है, ऐसे नहीं साइंटिफिकली रियल। एक मिनट बोलिए पुत्र, रियल बन गया और इन्वर्टेड भी बन गया और इन्वर्टेड। एक मिनट भूमिका, एक मिनट भूमिका, रियल इन्वर्टेड और पुत्र बैठिए, रियल इन्वर्टेड बिटवीन सी एंड एफ एंड इट इज स्मॉल इन साइज, ये डिमिनिश्ड, राइट, समझ आ गई बात अब। हाँ जी, स्मॉल इन साइज कह लो अगर आपको ऐसा लगता है तो, राइट। चले आगे, तीसरा केस जब आपका ऑब्जेक्ट बेटे जो है ये सी पे है, आइए कंसंट्रेट करें, ऑब्जेक्ट एट सी, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने अपना ऑब्जेक्ट बच्चों सी पे प्लेस किया, ए बी आपके ऑब्जेक्ट का नाम है, एक रे इससे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस में से पास कर जाएगा बेटा, सेकेंड रे आपका एफ में से जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे ये दोनों रेस मीट कर रही हैं, इट विल बी ए डैश बी डैश। आपका इमेज सी पे द्वारा बन रहा है, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज का है एंड एट सी है, राइट जी, कोई मुश्किल तो नहीं लग रही, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद आपके पास ये अगेन कनकेव स्फेरिकल मिरर, और बच्चों आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस किया, लेट इट बी रिटन एज ए बी, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, फोकस में से पास कर जाएगा, फोकस में से जा रहा है, पैरेलल चला जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये यहां पे ये दोनों रेस मीट कर रही हैं, इट इज बियॉन्ड सी है, ए डैश बी डैश, इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड लार्ज। ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, देन आइए देखें और आगे चलें, ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे प्लेस करेंगे तो कैसा होगा, ये देखें, बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक बार बना के भी देख लें, ये आपका वंस अगेन कंकेव मिरर, और दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा, है ना बेटा, आपने यहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ए बी इसका नाम रखा ऑब्जेक्ट का बेटा, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, एंड सेकेंडली आप ये, मैं पहले डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये पहले इधर गया, यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा ये रे, लेट मी री ड्रॉ दिस बेटा, ये आपका रे फोकस में से पास करके चला गया बेटा, सेकेंडली
दिस इज सी, ये रे इस तरीके से जा रहा है, रिफ्लेक्ट होकर ये वापस आएगा ऐसे बेटा, और दोनों रेज जो हैं दे विल मीट एट इंफिनिटी बेटा, आपका इमेज जो है इट विल बी रियल इनवर्टेड हाईली मैग्नीफाइड एंड एट इंफिनिटी। हाँ जी, हाईली मैग्नीफाइड बेटे हम ऐसे कह सकते हैं बिकॉज जब आप इसके इमेज को व्यू करते हो ना, आपको कभी भी कंप्लीट इमेज नहीं दिखाई देगा, यू विल बी एबल टू व्यू वन सेक्शन ऑफ दिस इमेज फ्रॉम सम ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और वो आपको सेक्शन भी काफी मैग्नीफाइड लगेगा बेटा। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट कि इमेज हमारा हाईली मैग्नीफाइड है इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट साइज बेटा, राइट? क्यों बढ़िया? देन इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट बेटा फोकस और पोल के बीच में प्लेस करना पड़ेगा, ये आपका कंकेव स्फेरिकल मिरर या कंकेव स्फेरिकल सरफेस, ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा, ये भी इसका नाम है, ये रे पैरेलल जा रहा है फोकस में से आ जाएगा, और ये रे आपका ऐसे जरा देखिएगा, और रुक जाइए, ये इमेज बन गया, कैसा है ये? नहीं यस सर, नहीं कैसा है ये? मैग्नीफाइड भी है सर, ठीक है जी, वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही हो गया। अब आपके लिए सारे स्टूडेंट्स के लिए दो मैं इनकम्प्लीट रे डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूँ, यू आर टू कंप्लीट ऑल दीज। सारे स्टूडेंट्स अपना कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, दो और तीन आपको इनकम्प्लीट रे डायग्राम्स दे रहा हूँ, ट्राई टू कंप्लीट दीज ऑल क्वेश्चन। आपको बेटा लिखो पुत्र, कंप्लीट द पाथ of the following rays of light, ये आपका concave mirror, आपका कंकेव मिरर हो गया, ये और फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? आप बना रही रहे हो बेटे, क्या बात है, आप क्यों नहीं बना रहे हैं? क्या है, पहले ही बना लिया आपने? नहीं नहीं बेटे, फिर बनाओ आप, ऐसे नहीं है पुत्र, आपको कहा है ड्रॉ करने को तो ड्रॉ करिए। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करिए, ये पहला डायग्राम जो आपको कंप्लीट करना है, सेकंड वाला ये है आपके पास बच्चों, आपको कंकेव मिरर दिया हुआ है वंस अगेन, एंड ये आपके बेटे प्रिंसिपल एक्सिस हैं, हेयर लाइज द पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इसका पाथ कंप्लीट करिए। और तीसरा आपके पास है डियर चिल्ड्रन, आपको कन्वेक्स मिरर दे रखा है, ये आपका पेंटेड सरफेस है, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस हैं, ये आपका फोकस, ये आपका सी, और बड़े ही ध्यान से देखिएगा, दिस इज योर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट,
रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करिए। नहीं सी में से नहीं है, जैसे मर्जी कह लो, सी पे नहीं स्ट्राइक कर रही है रे। मैं आपको अगर थोड़ा सा लग रहा है ना, बदल देता हूँ सिस्टम, बदल देता हूँ आपका फोकस, आपका सेंटर यहाँ पे है अब, ठीक है? हाँ जी, कोई बात नहीं, बनाना ही है, थोड़ा नजदीक कर लो अगर ज्यादा लग रहा है तो, ये लीजिए राइट अब, ठीक है? एनीवन हु हैव कंप्लीटेड, आपका हो गया, आपका हो गया, बना रहे हैं, हाँ जी कंप्लीटेड कर रहे हैं, इधर कॉर्नर पे बच्चा बैठा है, कंप्लीटेड और नॉट पुत्र, दूसरा पहला हो गया, ले आइए दिखाइए जरा, है? अच्छा अभी क्वेश्चन ही लिखा है, आप दोनों और आप इधर कंप्लीटेड दिखाइए थोड़ा सा, नहीं इन रिफ्लेक्टेड रे तो बनाए नहीं अभी आपने, अरे नहीं नहीं देखो जरा इसको सोचो, और बेटा ध्यान दो जरा सारे बच्चे, एक मिनट ऐसे टाइम निकल जाएगा 1 मिनट में, हाँ फोकस में से क्यों पास करेगा भाई, एक मैं कर देता हूं बाकी आप करिए, पहले वाले को देखो जरा ध्यान से, ये आपका कंकेव मिरर है, कंकेव मिरर में यहां पे आपका लाइट इंसिडेंट हो रहा है, एल आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, तो आप इसको सी से ज्वाइन करोगे तो ये क्या बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये नॉर्मल बन गया, ये नॉर्मल बना, अरे मानते हो रेडियस ऑफ द स्फीयर नॉर्मल ही होता है, सुस्त पड़ जाते हैं आप लोग, आई आ गया ये एंगल, एंगल आई है, ये कौन सा एंगल है, क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंगली एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, अब किधर बनाऊंगा मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे बना दूं, नहीं ऐसे नहीं, जैसे ठीक लगता है ऐसे मत कहिए आप, एंगल आई और आर बराबर हो गया तो ये आपका बन गया, दैट्स इट बेटा, और क्या राइट, ये रे ऐसे, बेटा सुनो जरा, ये रे ऐसे गया, ऐसे आ गया राइट, ऐसे जा रहा है, ऐसे आप इसको मजाक में बता लीजिए बेटा, आपको प्रॉपरली अपने जो आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो अप्लाई करके बताने हैं यहाँ पे, ये और सुनिए, ये आपका प्रीवियस ईयर्स में सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, डोंट टेक इट लाइटली, अच्छी बात है, अब ये भी करिए कंप्लीट, बच्चों इनको कंप्लीट कर लो, बातें बाद में कर लेना, बहुत अच्छा किया आपने, सेकंड थर्ड भी कर लो, सेकेंड एंड थर्ड कंप्लीट कर लीजिएगा, सेम आइडिया लगाना पड़ेगा आपको, कंप्लीटेड सुस्त पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, सवेरे सवेरे सुस्त पड़ जाते हैं, हाँ चलिए सेकेंड वाला देखिए फिर मैं बनाता हूँ आपको, आपको अच्छा ये है, आप कंपेयर करिएगा साथ साथ,
मैं कह रहा हूँ कंपेयर करो, आप कह रहे हैं कॉपी करना है। ये आ गया आपका एंगल आर, ये आ गया आई, और एंगल आई और आर बराबर, ठीक है। थर्ड वाला भी यही है, हो गया। चलिए मैं बनाता हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपना अपना। ये आपने ये नॉर्मल बन गया आपका, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये रिफ्लेक्टेड रे आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। दैट्स इट बेटा, समझ लग गई बात। अब बिफोर वी कम अप विद एनीथिंग, हाँ जी बेटे बोलिए जी, आवाज आई है लेकिन कम। ओके आएगा बेटे, एक दो बार बना के देखो, आ जाएगा, समझ आ जाएगा, चिंता मत करिए। आप प्रैक्टिस थोड़ा सा करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। बेटा मिरर फॉर्मूला हमारा आप लोग जैसे जानते हो, मिरर फॉर्मूला कौन बोलेगा पुत्र जी? राइट राइट राइट, हाँ जी भूमिका बोलो बेटा। सर फॉर्मूला को बताना था। ओके बेटे गुड, सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या आप ऐसे लिख लीजिए 1/v प्लस 1/u इज 1/f, राइट बेटा। और डियर चिल्ड्रन आपके मिरर्स के केस में मैग्निफिकेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? m इज इक्वल टू बेटा, सोच के बोलिए सोच के, मैग्निफिकेशन h2/h1 मैग्निफिकेशन -v/u, राइट। ये साइन इसमें जरूर होता है, आपको याद रखना चाहिए, क्लियर। और बिफोर वी कम अप विथ एनी अदर आइडिया, लेट अस रिकैप्चुलेट द यूजेस ऑफ द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इज कॉन्टिन्यूसली यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द कैविटीज, इट इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स, इट इज यूज्ड टू से द सी द, इट इज आल्सो यूज्ड एज ए शेविंग मिरर, इट इज आल्सो यूज्ड इन द स्फेरिकल रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर। सो दीज आर द बेसिक यूजेस ऑफ कनकेव, हां जी बेटे। कन्वेक्स मिरर को आप रियर व्यू मिरर यूज करते हो या ड्राइवर्स मिरर यूज करते हो? कन्वेक्स मिरर को आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए इन द शॉपिंग मॉल्स यूज करते हो, और कन्वेक्स मिरर को आप फ्लड लाइट्स में एज ए रिफ्लेक्टर यूज कर सकते हैं। तीन इसके यूजेस हैं, इनका ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू ऑल बेटा। कनकेव मिरर इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर।